और इस बीच उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईवे की जमीन आवप्ति के मुआवजे में गड़बड़ियों के ये कैसे खेल, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उदयपुर अहमदाबाद 6 लेन हाईवे 76 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जमीन आवप्ति के मुआवजे में भारी गड़बड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई। पहले ग्राम पीपली ए में आबादी बताकर मुआवजे का भुगतान लेने का मामला सामने आया और अब दूसरा प्रकरण ग्राम मांडवा फला कागदार के खसरा नंबर 787 से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है। हाईवे से 400 मीटर दूर जमीन का मुआवजा देने की शिकायत सामने आई। पेट्रोल पंप के पीछे की जमीन का मुआवजा देने का भी मामला सामने आया। गलत सर्वे प्रस्तुत करके 4,95,00,000 का मुआवजा उठाने का ये पूरा मामला है और सर्वे करने वाली निजी कंपनी NHAI के तत्कालीन अफसरों पर सवाल उठा रही है। वही मुआवजे में उक्त गड़बड़ियों के मामले को लेकर ऋषभ देव तहसीलदार ने कहा कि इन मामलों की जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उदयपुर से ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ा मामला फर्जीवाड़े का सामने आया है। हाईवे की जमीन आवाप्ति के मुआवजे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, मुआवजे में गड़बड़ियां की गई, शिकायतें कई बार मिली लेकिन उसके बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। उदयपुर अहमदाबाद 6 लेन हाईवे 76 से जुड़ा हुआ ये मामला है। जमीन आवाप्ति के मुआवजे में भारी गड़बड़ी को लेकर शिकायतें आई है। इसको लेकर NHAI से जुड़े हुए तत्कालीन जो अधिकारी उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो पहले ग्राम पीपली ए में आबादी बताकर मुआवजे का भुगतान लेने का मामला सामने आया था और अब उसके बाद एक और दूसरा मामला सामने आ गया है। ग्राम मांडवा फला कागदार से खसरा नंबर 787 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और हाईवे से 400 मीटर की दूरी पर जमीन का मुआवजा देने की शिकायत है। इसलिए नहीं बल्कि आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के पीछे की जमीन का भी मुआवजा देने का ये मामला बताया जा रहा है। गलत सर्वे प्रस्तुत किया गया और 4,95,00,000 रुपए का मुआवजा उठाने का ये पूरा मामला है। अब जो सर्वे करवाने वाली निजी कंपनी है वो NHAI के तत्कालीन अफसरों पर सवाल उठा रही है। मुआवजे में उक्त गड़बड़ियों के मामले को लेकर तहसीलदार ने कहा है कि इन मामलों की जांच करवाई जा रही है और जांच आने के बाद कार्रवाई होगी। तो NHAI पर भी गंभीर सवाल और NHAI के तत्कालीन जो अधिकारी हैं उन पर भी मिलीभगत के आरोप यहां पर लग रहे हैं, गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। शिकायतें लगातार पूरे मामले के सामने आ रही हैं लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, सबसे पहले ये मुआवजे में गड़बड़ी का क्या मामला है, कितनी गड़बड़ी यहां पर हुई है, इसको लेकर आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पूरा मामला सबसे पहले आप बताइए। देखिए कि ये उदयपुर जिले के अंदर तहसील है उस ऋषभदेव तहसील क्षेत्र का एक मामला है जो कि मांडवा फला कागदार जो ग्राम पंचायत है वहाँ एक आवासीय भूमि जो कि मेन हाईवे के निकट का बताया गया था लेकिन हाईवे के जो नॉर्म्स बताए जाते हैं कि जहाँ 30 मीटर की अवधि के अंतर्गत जो जमीन आती है उसी का मुआवजा देने का एक प्रावधान है लेकिन यहाँ हाईवे से 400 मीटर दूर आबादी भूमि दिखा करके और यहाँ के जो पटवारी हैं वहाँ जो भूमि वापति की जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी को कम अंकित करके और तकरीबन 4,95,00,000 रुपए का जुर्माना या इन पर अवाप्ति का जो लगाया, राजस्व का जो नुकसान लगाया है वो इस तरफ देखा गया है और इसी के साथ में ये तकरीबन जो जमीन थी वो 778-784 की कुछ हेक्टेयर भूमि थी। इस भूमि को इन्होंने नियम विरुद्ध इन्होंने इस तरीके से इसको निकटतम हाईवे के निकटतम शो किया कि उसको खातेदार को एक निजी लाभ पहुंचे और निजी लाभ पहुंचकर कहीं ना कहीं निजी लाभ के चक्कर में इन अधिकारियों का भी कोई निजी हित छुपा हुआ होगा। इसी कारण इन्होंने नजदीकी का फायदा उठाया और
सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ की जो तहसीलदार के पास जब ये जांच रिपोर्ट गई तो जांच रिपोर्ट में भी अभी तक उन्होंने कोई ऐसा खुलासा नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ के जो तहसीलदार से भी हमारी चर्चा हुई है, बात हुई इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने अवगत करवाया कि ऐसी शिकायत हमारे मिली है और इस शिकायत पर हम अभी जाँच की जा रही है। लेकिन जाँच की जा रही, जाँच की समय सीमा क्या है ये भी एक देखने का विषय, क्योंकि कई बार जांच की जा रही है लेकिन इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसी कारण जो मामले हैं वो मामले निरंतर प्रगति में नहीं मिल पाते और वहाँ जो जांच को है वो एक स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो पा रही है और जांच तब होगी जब अधिकारी यहाँ पर सख्त होंगे, जब अधिकारी पूरे मामले को लेकर गंभीर होंगे। आपसे विक्रम जानना चाहेंगे, जब ये मुआवजे का भुगतान उठाया जा रहा था तो क्या उससे पहले जिन जमीनों के मुआवजे लिए जा रहे थे उनके भुगतान लिए जा रहे थे कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं था? क्या एनएचएआई के द्वारा कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो कि यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सके, जाकर उन जमीनों को देख सके कि वो जमीन उसमें आ भी रही है या नहीं? देखिए, इस जमीन की जब आपसी के लेकर के जब पूरी कमेटी बैठी जाती है तो उसमें एडिशनल कलेक्टर भी होते हैं, एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होते हैं और एनएचआई के अधिकारी ही ये अवगत करवाते हैं कि हमारे को यहाँ तक की जो भूमि है वो हाईवे अथॉरिटी को देनी होगी और हाईवे अथॉरिटी उस जमीन को अवाप्त करेगा। और लेकिन यहाँ ये स्थिति भी देखी गई है कि 2020 में ये जमीन हाईवे के जो अधिकारियों ने अवाप्ति की, लेकिन वहाँ अभी तक नकलों में जो जमाबंदियां हैं उन जमाबंदियों में अभी तक हाईवे के नाम नामांतरण नहीं हो पाया है और अभी भी उसी खातेदार के नाम चली आ रही है। सबसे बड़ी चीज ये कि आज तक जैसे आज 4 साल होने आए हैं, 4 साल में नामांतरण नहीं होना, तकादमा नहीं हो पाना, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन चीजों में क्योंकि जहाँ हाईवे के अगर ये माना जाता है कि हाईवे के निकट अगर होती तो जमीन का कभी ना कभी दुरुस्तीकरण हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं केवल निजी लाभ पहुंचाने के लिए एनएचआई के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन एनएचआई के अधिकारी जब इन सवालों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान एनएचआई के अधिकारी उन सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं सवालों का जवाब नहीं देना एक देखा जाए तो उनके भी मन में एक संशय बनाया हुआ है, क्योंकि जो तत्कालीन जो एनएचआई के अधिकारी थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनमें भारी चूक की है, कहीं गलतियां हुई है, इसी कारण ये आज ये मामला वापस शिकायत के आधार पर उठा है और तहसीलदार इस पर अभी जांच कर रहा है। लेकिन जांच के नाम पर देखा जाए तो केवल कागजों में ही जांच को सिमटाया जा रहा है, जांच का कोई यहां पर की जा रही है। विक्रम, आगे क्या कहना है? जिन लोगों ने शिकायतें यहां पर की है उनके द्वारा अगर ये जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, आगे क्या कदम उठाया जाएगा? साथ ही जो जिम्मेदार है वो क्या कह रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? देखिए, शिकायतकर्ता से जब इन चीजों की जानकारी ली तो शिकायतकर्ता ने भी अवगत करवाया कि हमने पूर्व में भी हमने एनएचआई के अधिकारियों को भी अवगत करवाया था और वहाँ के स्थानीय जो भू अभिलेख जो पटवारी हैं उनको भी हमने अवगत करवाया था, लेकिन जो तत्कालीन तहसीलदार थे उनको भी हमने अवगत करवाया, लेकिन वहाँ उस समय हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस बार हमने पुणे कलेक्टर, जिला कलेक्टर को और एडिशनल कलेक्टर को, तहसीलदार को वापिस लिखित में शिकायत पेश की है, लेकिन शिकायत पेश करने के बाद भी कई दिन निकल चुके हैं लेकिन कागजों में ही जाँच को, हमारी जाँच को सिमटा रखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। और ऐसे राजस्व की जो हानियां हैं, जो राजस्व की जो लीक है वो देखा जा रहा है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ऐसे अधिकारियों की भी मिली भगत है कि राजस्व को चूना लगाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी यहां पर चूना लगाया जा रहा है और ऐसे ही अधिकारियों की मिली भगत के चलते राजस्व का नुकसान होता है सरकारों को। अब देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले में जांच हो पाती है और कब कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।